थेट जाऊयात. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी बोलतात. तुम करते क्या हो कोई नहीं पूछता, और अगर कोई गिर जाता है भीड़ में, कोई गिर जाता है जैसे आज दो तीन लोग गिरे, सब लोग मिलकर उसे उठा लेते हैं. अगर चोट लगती है जैसे आज एक पुलिस वाले को लग गई, यात्रा उसकी मदद करती है. मतलब यात्रा किसी को पीछे नहीं छोड़ती, किसी को नहीं. किसान चल रहा है, किसान को पीछे नहीं छोड़ेगी. मजदूर चल रहा है, मजदूर को पीछे नहीं छोड़ेगी. युवा चल रहा है, युवा को पीछे नहीं छोड़ेगी. माता बहन चल रही है, उनको पीछे नहीं छोड़ेगी. यही भाइयों और बहनों ने सच्चा हिंदुस्तान, जो किसी को पीछे नहीं छोड़ता, सबको अपना मानता है, और अगर कोई गिरता है तो एकदम उसकी मदद करता है. अब दिल्ली में देशभक्त बैठे हैं, महाराष्ट्र में देशभक्त बैठे हैं, उधर नरेंद्र मोदी जी, और इधर पता नहीं इनको कौन सी पार्टी का कहा जाए, क्या कहा जाए. अब ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं. अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप सबके पास परिवार है, अगर आपके परिवार में कोई आकर नफरत फैलाए और भाई को भाई से लड़ाए और भाई से कहे कि तू अपने भाई को मार दे, बन्नास खोके एकदम, तो परिवार का क्या होगा? फायदा नुकसान? फायदा नुकसान? नुकसान. तो अगर परिवार को तोड़ने से परिवार का नुकसान होगा, परिवार में नफरत फैलाने से परिवार कमजोर होगा, भाई भाई को मारता है तो परिवार कमजोर होता है, तो फिर अगर भाई भाई को मारेगा देश में हिंसा फैलेगी, तो देश कैसे मजबूत होगा? कमजोर होगा ना. अच्छा एक बात बताओ, अगर परिवार में जो परिवार को भोजन खिलाता है, जो परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है, अगर आपने उसको भूखा मार दिया तो परिवार का क्या होगा? पूरा परिवार खत्म हो जाएगा. तो अगर आपने अगर हिंदुस्तान के किसान को भूखा मार दिया तो हिंदुस्तान का क्या होगा? और आज हिंदुस्तान के किसान को भूखा मारा जा रहा है, बीजेपी की पॉलिसीज मार रही है. आप किसी भी किसान से पूछ लो, मैं हजारों से मिल चुका हूं, सारे के सारे आपको कहते हैं हमें सही दाम नहीं मिलता. त्यामुळे राहुल गांधी यांची सभा सुरू आहे. एक छोटासा ब्रेक घेऊया, लगेचच परत येतो.